सीएमसी की छात्र हूँ मैं। और सीएमसी में ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर भी लिए हैं। ऑनलाइन भी लिए हैं, गौरव सर के लिए, आपके लिए, सुधीर सर के लिए, सभी के लिए। अच्छा, अभी महामैराथन चल रही थी, वो देखी? बिल्कुल देखी सर। और उससे कुछ बेनिफिट? बिल्कुल, मेरा पैरा जंबल सॉल्व करने को मिले, वो इंग्लिश में 7 पैरा जंबल आए थे, 6 से 7 वो करने को सही हुए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम अभी इस वक्त सेज यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं, बच्चों का इंतज़ार है और बच्चे बाहर निकल के अभी थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं कि पेपर का क्या सूरत हाल रहा, पेपर इजी था, मॉडरेट था या बहुत ज़्यादा टफ था, ये सुनेंगे बच्चों की ज़ुबानी, है ना। किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एमपीजी के से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, सारी बातों पर अब चर्चा करेंगे, बस बने रहिए एंड तक। आपका नाम? सफी खान। ओके, तो आप बताओगे पेपर का कैसा क्या रहा? पेपर बढ़िया रहा। आपके स्कोर? मेरा स्कोर था 66। अरे वाह, तो ये बताओगे कि मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की बात करो, इसके अलावा अगर मैं जीएस की बात करूँ, कैसे क्या पेपर? तो साइंस में बायो कम पूछी गई थी और उसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छी पूछी गई थी। कोई क्वेश्चन ध्यान है आपको कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन है? साइंस में अपन को पूछा गया था जो गुणसूत्र वगैरह, गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था। केमिकल फार्मूला थे क्या? केमिकल नहीं, फिजिक्स में था। केमिकल केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला, फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल वगैरह हो? हां, फिजिक्स में न्यूमेरिकल था। अच्छा, और जीएस में कैसे क्या क्वेश्चंस थे? जीएस में एमपी नहीं पूछी गई है, का दो क्वेश्चन एमपी पूछा गया है। हिंदी? हिंदी तो अच्छा पूछा गया है। हिंदी अच्छा, तो संधि, समास, विराम, चिन्ह, कारक, सब कुछ है, सब सब उसमें। एक चीज तो है, एक हाथ क्वेश्चन तो बता दो कि क्या था। समास भी आया था। कौन सा समास था? द्वंद्व समास था। द्वंद्व समास था। और इंग्लिश? दो समास थे उसमें, एक द्वंद्व था, एक और कुछ भी था, अब इतना ध्यान नहीं है। ओके, और इंग्लिश का बताओगे कैसा क्या था? इंग्लिश तो हमारा खराब गया है। खराब गया। और मैथ? मैथ का कोई टॉपिक जैसे कि ऐसा इजी है, अगर परसेंटेज, एलिगेशन था, परसेंटेज थी, प्रॉफिट लॉस था, और एक एडवांस में भी थे, 3-4 क्वेश्चन एडवांस थे। थैंक यू। आपका नाम? मिथुन कुमार पटेल। मिथुन कुमार पटेल जी, आप कहाँ से? यही इंदौर से? हाँ, इंदौर में पढ़ाई करता हूँ, पर अनूपपुर से हूँ मैं। कितना स्कोर आया? 50 आया मेरा। आया। अच्छा, आप ये देखेंगे कि मतलब इस बार एमपीजीके में मतलब कितने क्वेश्चन रहे होंगे? एमपीजीके के 3-4 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन थे, पर अगर एमपी कहे तो 3-4 ही, मतलब कि उसके मिला के कुछ। कोई क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट याद? वर्ड से पूछा था कुछ, बांधावगढ़ से, और याद नहीं आ रहा है। अच्छा, खेलकूद से क्वेश्चन आए? खेलकूद से हाँ, एक आया था, क्या जो नाम था उसका याद नहीं आ रहा है। अच्छा, हिंदी कैसा लगा? हिंदी तो सिंपल थी, वेरी इजी सिंपल। और मैथमेटिक्स में कौन? मैथमेटिक्स में ये प्रॉफिट लॉस और ये क्या कहते हैं, और परसेंटेज वगैरह से ये थे, थोड़ा कैलकुलेटिव थे। एडवांस मैथ साइड? एडवांस में हाँ, 2 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में? एक समांतर चतुर्भुज से था क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, और प्रॉफिट लॉस वगैरह से थे, और पाइप इन सिस्टम से था क्वेश्चन। हाँ, मतलब थोड़ा मैथ ऐसा है कि ट्रिकी है, कैलकुलेशन है थोड़ा, बाकी वो ऐसा नहीं है। आज के अनुभव क्या आपका? अनुभव सर, एक ही पैरा जंबल जो वगैरह थोड़ा 7-8 पैरा जंबल थे, उसमें थोड़ा इंग्लिश का देख लें और मैथ का थोड़ा कैलकुलेटिव प्रैक्टिस कर लें मैथ में, और तो सही है। आपका नाम? दिस इज स्वाति गंधारे। ओके, तो आप बताओगे कि पेपर कैसा क्या, कहाँ से क्या आया? पेपर तो बहुत अच्छा था, मैथ्स में थोड़े टफ क्वेश्चन थे और बाकी साइंस बहुत अच्छा था। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो कौन सा टॉपिक ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हो कि ये बन ही नहीं रहा, क्यों आया ये टॉपिक, नहीं आना था इसको? मेरा मैथ्स ही सारे टॉपिक ऐसे थे कि क्यों आ गए, मतलब सिंपल क्वेश्चन तो थे ही नहीं मैथ्स में। अच्छा, जैसे सिंपल कैलकुलेशन ज्यादा थी? कैलकुलेशन ज्यादा थी मैथ्स की। टॉपिक बहुत ज्यादा आया जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर कोई और टॉपिक? सिंपल इंटरेस्ट से भी थे 2-3 टॉपिक, तो मैथ्स तो मैं टाइम ही नहीं था मैथ्स का, तो मैंने इतना टॉपिक पे। अच्छा चलो छोड़ो, साइंस की बात करते हैं। साइंस में साइंस में पीरियोडिक टेबल से भी थे क्वेश्चन, आरएनए से भी।
पिवट टेबल से जैसे कि सिंबल पूछा गया था या सिंबल भी पूछे गए थे और पीरियोडिक टेबल से काफी क्वेश्चन थे, सेकंड डीएनए वगैरह से भी क्वेश्चन उठाए थे, से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पता है? हां आरएनए, एक तो क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उसकी डिस्कवरी किसने की थी, इस टाइप से भी क्वेश्चन, जैसे गुणसूत्र की खोज किसने की है, ये क्वेश्चन, हां इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे थे। इसके अलावा और कोई हिंदी का बता सकते हो? हिंदी में अलंकार बहुत ज्यादा पूछे थे, अलंकार से पूछा था, हिस्ट्री भी, ये संधि समास विराम चिन्ह कारा, हाँ ये सारी चीजें पूछी थी। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें जीएस की, एमपी तो कैसा क्या पूछा है? एमपी के इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, हाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, जैसे चार मीनार वगैरह के बारे में, उसकी उसको चार मीनार की खोज किसने की, खोज किसने की थी, उसे बनाया किसने था, हिस्ट्री से भी थे, चार मीनार का निर्माण करता कौन था, इस टाइप से। और अगर पॉलिटी की बात करें तो कोई आर्टिकल वगैरह पूछा गया हो? नहीं, आर्टिकल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं थे, पॉलिटिक्स से नहीं थे। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर से थे पर इतने ज्यादा नहीं थे। इंग्लिश का? हाँ इंग्लिश से थे, इंग्लिश से अपने टेंथ से क्वेश्चन पूछे थे, बाकी इंग्लिश में क्या था ना, हिस्टोरी स्टोरी बना दी थी, पैराजंबल, हाँ पैराजंबल बना दिए थे, स्टोरीज बता दी थी और उसके बाद से उसको लाइन टू लाइन बताना था और सिम्बॉल्स दे दिए थे, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी टेंथ वगैरह में। आपने स्कोर कितना किया? मेरे 60% ही बने, बस 60% बने। हॉल में आइए से बता सकते हो कितने आए? नहीं पता, नहीं पता। थैंक यू। आपका नाम? अभिषेक रघुवंशी। आप तो सीएमसी के स्टूडेंट हैं? जी सर बिल्कुल, सीएमसी की छात्र हूं मैं। और सीएमसी में ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर भी लिए हैं? ऑनलाइन भी लिए हैं, गौरव सर के लिए, आपके लिए, सुधीर सर के लिए, सभी के लिए। अच्छा, अभी महामैराथन चल रही थी वो देखी? बिल्कुल देखी सर। और उससे कुछ बेनिफिट? बिल्कुल, मेरा पैराजंबल सॉल्व करने को मिले, वो इंग्लिश में 7 पैराजंबल आए थे, 6 से 7 वो करने को सही हुए, और नरेशन के थे, एक्टिव पैसिव वॉइस के थे, और सिनोनिम एंटोनिम थे, वो तो थोड़े शायद गलत हो गए, और साइंस में केमिस्ट्री से ज़्यादा था, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स के देखने को नहीं मिले, और हिंदी आसान थी, अलंकार थे, पर्यायवाची थे, विलोमार्थी शब्द थे, युग्म शब्द पूछे थे इसे, और काल पे पूछे थे। अच्छा, मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा था या फिर एडवांस मैथ्स भी आए थे? लगभग बराबर लगा मुझे, अर्थमेटिक में परसेंटेज बट्टे से थे, परसेंटेज से थे, और एडवांस के भी थे, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री थे या क्षेत्रमिति? नहीं, क्षेत्रमिति से ही थे, क्षेत्रमिति से पूछ रहे हैं, जैसे काट कर उसको कटोरा बना दिया जैसे क्वेश्चन। जीएस तो सर पता ही आपको। और जीएस में आप मुझे बताइए कि जीएस में जो है ओवरऑल अगर अपन देखें तो उसमें एमपीजीके के लगभग आपके अनुमान से कितने प्रश्न आपने देखे होंगे? तो 1 से 2 प्रश्न बस। एक सर आप बताओगे साइंस में कैसे क्या क्वेश्चन थे? साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी से फिजिक्स के तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में टॉपिक कहां से क्या? पीरियोडिक टेबल, इकोलॉजी, बॉटनी। और पीरियोडिक टेबल का कोई क्वेश्चन ध्यान है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है? पीरियोडिक टेबल का कि SN शायद SB किसका? SBSN किसका? SBSN किसका? हां से रिलेटेड किसका वो है ऐसा। इसके अलावा और कोई एक ही क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल से? पीरियोडिक टेबल से एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा फार्मूला केमिस्ट्री का कोई नहीं? बाकी केमिस्ट्री से और मतलब इससे बायोलॉजी से ज्यादा पूछा गया। बायोलॉजी से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे? बच्चे बता रहे गुणसूत्र से क्वेश्चन या क्रोमोसोम क्वेश्चन, ध्यान है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन तो याद नहीं है, बाकी क्रोमोसोम से था, जेनेटिक से। हाँ एक वो था कि मतलब वॉल्डियर ने जिसकी वो करी थी गुणसूत्र की खोज किसने की? वॉल्डियर, हाँ सिंपल क्वेश्चन है ये तो, वो तो वॉल्डियर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे आपने बोला बॉटनी या फिर वो इकोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे, तो इकोलॉजी से पर्यावरण से रिलेटेड? इकोलॉजी से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डीकम्पोजर ये से। अच्छा, डीकम्पोजर से क्वेश्चन था। और इसके अलावा जैसे पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण से कहाँ से क्या क्वेश्चन? पर्यावरण का तो नहीं पता, लेकिन वायुमंडल में इसे कौन सी गैस का सबसे ज्यादा वो है? साइंस में यही क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% किसका? नाइट्रोजन। दो क्वेश्चन वही नाइट्रोजन के मिल गए, दो क्वेश्चन नाइट्रोजन के थे, एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का था, एक क्वेश्चन क्रोमोसोम का हो गया, और बाकी इतना ही याद है बस। थैंक यू फ्रेंड। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिला कि पेपर मॉडरेट आया है, क्योंकि बच्चों ने ज्यादा स्कोर तो नहीं किया है, यहाँ पर हमें 67-70 के अराउंड स्टूडेंट मिले, इससे ज्यादा स्कोर के स्टूडेंट्स अभी नहीं मिले हैं। और अगर बात की जाए कि पेपर की कैसा आया, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले साइंस की बात करती हूँ, तो
10 क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, जो अगर आप क्लास में भी करोगे तो नॉर्मली आप बना सकते हो। अगर 10 क्वेश्चंस की बात करें तो वो बच्चे बता ही नहीं पाए, जो हमें बाद में पता लगेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चंस थे। अगर जीएस की बात की जाए तो यहाँ पर एमपीजी के बहुत ही कम है, 2 या 3 क्वेश्चन है, बाकी करंट अफेयर्स और मिसलेनियस से क्वेश्चन ज्यादा आया है। और अगर साइंस की इसके बाद अगर मैं बात हिंदी की करूँ तो अलंकार बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और इसके बाद इंग्लिश में पैरा जंबल्स और मैथ में कैलकुलेटिव है। अगर मैथ की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक है तो वो कैलकुलेशन ज्यादा है, इसकी वजह से मैथ बच्चों ने बहुत ही कम किया है। तो ये थे हमारे आज के पेपर का सूरत हाल। अब शाम के शिफ्ट में हम फिर आपसे मिलने वाले हैं, बने रहिए सीएमसी इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।